जा रहे हैं। ओ भाई ब्लॉग में उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे और मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो पूरे एंड तक देखे जा रहे होंगे। तो फिलहाल आज जो है ना, आज है 12 मई, ठीक है, आप ये ब्लॉग कल देखने वाले हैं। आज है 12 मई, फ्राइडे है आज, तो सुबह नमाज वगैरह पढ़नी थी। अभी जो है टाइम हो रहा है 7:45 हो रहा है अभी। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, आज है हमारी सिस्टर का बर्थडे, आयशा की दुनिया ऑफिशियल, मतलब आप जानते होंगे सिस्टर है वो मेरी, जो उनका है आज बर्थडे। हम लोगों का प्लान ये है कि हम सब लोग मिलके जाना जाएंगे इंडिया गेट और वहाँ पर एक साथ जो ना मस्ती करेंगे, डिनर वहाँ पर करेंगे, बिरयानी कह रही हूँ, डिनर और बिरयानी मिलाती हूँ, बिरयानी अभी बिरयानी बन रही है। अनुभव की बात पूरी सुन ली होगी, आज हमारी छोटी वाली सिस्टर का बर्थडे है, आयशा की दुनिया ऑफिशियल, तो मैंने बिरयानी चढ़ा दी है, आधी मम्मी ने चढ़ाई है, आधी मैंने चढ़ाई है, वो चली गई थी नमाज पढ़नी थी, तो आधी मैंने तो पूरी बनी जाएगी, पूरी बन जाएगी। तो मिलते हैं आपको वहाँ जहाँ होगा बर्थडे सेलिब्रेट। भाग क्यों रही हो, भाग क्यों रही हो? दिखाना फिर मैं जब यू करके हटाऊंगी ना तो वहाँ दिखोगी तुम। हाँ मतलब तैयार होके तुम ऐसे हो जाओगे। हाँ। ऐसे ना, अच्छा ए अच्छा, रेडी होने के लिए पहले रेडी होते हैं, ऑलरेडी 8:45 हो रहे हैं, तो हम जल्दी से रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस हो गए हैं रेडी और अब टाइम हो रहा है 9, मैंने 8:45 दिखा था अपना, मतलब ब्लॉग जो है वहाँ पे 8:45 करा था मैंने, और हो गए हैं हम 9 बजे रेडी बिल्कुल। सुल्तान आ गए, सुल्तान भाई हमारे, ओ माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो तुम तो। ऐ आ जाओ बॉडी बिल्डर, पापा कैसे करते हैं, हाँ भाई मिस्टर। सो गाइस हियर इज माय फाइनल लुक, ये दिखाने नहीं दे रहा कभी आगे कभी पीछे। सो गाइस मैंने पहने ये वाली श्रग, सो गाइस मैंने पहनी थी मतलब ये वाली श्रग, आप देख सकते हैं, मैं ऐसे दिखाते हैं आपको, ये वाली श्रग जो कि मैंने ली थी नैनीताल से। सो आई वोर दिस विद दीज ग्लिटर सॉक्स, मतलब मैंने इसमें सॉक्स ग्लिटर डाले क्योंकि मैंने आ गया पापा का फोन आ गया, हट जाओ। सो गाइस हियर इज माय फाइनल लुक, अब मैं आपको और भी जाके अब इंडिया गेट चलते हैं, पहले तो जल्दी से टाइम नहीं है, पापा के भी कॉल आ गई है और आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस पहुंच गए हैं गाड़ी के पास और सामने ना स्टेडियम में मैच चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये स्टेडियम का नाम क्या है सामने, काल कटोरा स्टेडियम है गाइस ये, तो यहाँ मैच चल रहा है, अभी तो हम अंदर बैठते हैं हमें मैच से क्या। सो गाइस सामने जो है ना ये है कोटला फिरोजशाह स्टेडियम, भाई ने ना मुझे काल कटोकरा पता नहीं क्या नाम ले लिया, इसे खुद नहीं पता। ये है कोटला फिरोजशाह स्टेडियम और यहाँ चल रहा है मैच। सुल्तान ये पहनो आप अपनी कैप पहनो, या बॉय। सो गाइस चलते हैं जल्दी से, सिस्टर को कॉल कर दिया वहाँ पर, वो भी अपने घर से निकल गई हैं और अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से, बहुत भूख लग रही है मम्मी, बहुत देर हो गई हमको, जल्दी से चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि क्या क्या होता है, आपको भी दिखाएंगे साथ में। आयशा भाई के साथ हम प्रैंक कर रहे हैं कि ये दोनों चले गए घर, मगर ये हमारे साथ ही है, प्रैंक करो प्रैंक। सो गाइस सिस्टर के साथ हमने कर दिया है प्रैंक, जिनका बर्थडे है आयशा, उनके साथ हमने प्रैंक करा है कि ये दोनों नहीं आ रही और वो ऐसे कॉल कर रही है, उन्होंने कहा मैं 20 कॉल कर चुकी अब तक कि क्यों नहीं आ रहा और हमने मुझे साथ करके प्रैंक, ये चले गए अपने घर, तो अभी रिएक्शन लेंगे कि इनको देख के क्या रिएक्शन आता है। पहुंच गए हैं हम और आयशा बाजी की गाड़ी जो है ना वो सामने उधर साइड खड़ी हुई है, वो देख सकते हैं आप, उतर जाए। तो हम लोग तो पहुंच चुके हैं, मेरा पैसा रह गया गाड़ी में, अपना पैसा ले, ओह सरप्राइज वहां पर जा चुका है वो, वही पहुंच गए आकर रिकॉर्ड करना था। हैप्पी बर्थडे, मैं कह रही हूँ आवाज नहीं आ रही इनको। कैसी हो बहन? ठीक है, आप बनवा लो, आप वीडियो बनवा लो, बना रहे हैं। कोई कैसा लगा तुम्हें प्रैंक, तुम्हें रिएक्शन देखना था हमें, कौन जीजू? मैंने प्रैंक कर दिया लोगों के साथ, गंदा वाला बिछा दिया बेडशीट, अब बैठ के जो है ना सबसे पहले डिनर करेंगे। पेट पे अपनी लाइट जला, मुंह से वो वाली जला, एक साथ जो जलती है बहुत सारी। जीजू ओ गाइस क्रेन आ गई और जीजू अपनी गाड़ी के लिए भाग रहे हैं।
लेके बैठ गए। मोस्ट फनीस्ट सीन, सब ऐसे भाग कर गए इतनी जल्दी से, बच गए अफवाज, हम पार्टी के पैसे बच गए, ऐसे भाग के जा रहे सारे। ये बेस्ट सीन था अब तक का। और अभी जो है ना यहाँ पे मतलब पुलिस गाड़ियाँ उठाने के लिए यहाँ से, तो ये है अगर क्या कहते हैं कोई गाड़ियों में अवेलेबल होगा ना, गाड़ियों के आसपास होगा तो नहीं उठती है, और वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो ये लोग इसलिए भाग भाग कर गए थे। अब ये सारी गाड़ियाँ जो है ना पार्किंग में लगा कर आएंगे। आज ये तो अपना बाप भैया, डरो मत वीरे, बहुत दिखाई कर रही। सो देख सकते हैं आप सामने उड़ गई उन बेचारों की, एक की तो ले जा रहे हैं उठाकर स्कूटी पार्किंग में ले गए। ये यार यहाँ तो बड़ी दिक्कत है इसकी। गाइस एक ये वाली भी उड़ गई। अब गाइस बिज गया है दस्तरखान। अब ब्लॉगर गाइस कम ऑन क्लिक कर लो आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी करने वाली है। इतनी शदीद भूख लग रही है ना इस टाइम, बस गाइस ये लोग इतनी तेज भाग कर गए थे और वापस आ गए। इनकी सुबह पापा कैसे भाग के गए? अरे यार वो हमारे लिए थोड़ी आया था, वो किसी और के लिए आया था, लेकिन हमने उसको समझा दिया, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं। अच्छा तो आप भागे? हम वहाँ खड़ी कर स्पीड में, पापा तो पेड़ों को चीरते हुए गए थे। मेरा पैर मुड़ गया, मैं मंदिर जाऊं क्या? पापा नहीं देगा, पैर में पेड़ है, पेड़ है। ये चल रहा है, डिनर का टाइम हो गया है। मम्मा ने बनाई थी बिरयानी, वो भी अचारी वाली, तो सब लोग बैठ गए हैं। पापा प्रीडिएटर बन गए आज। कैसी लग रही है बिरयानी? मजा क्या बहुत टेस्टी बनी बिरयानी भाई। पिज्जा आ गई है थम्स अप, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं बनता, बिल्कुल भी गुजारा नहीं है इसके बगैर। ये तो चाहिए ही चाहिए, कुछ सिलाई में डाल के चढ़ा दे तुम सबको। मेरे तो मुझे तो बड़ा प्यार है थम्स अप से भाई। सो गाइस अभी जो है खाना तो खा लिया है, अभी थम्स अप वगैरह चल रही है इस साइड पर, खाना तो हमने खा लिया है, मगर मेरा मन है आइसक्रीम का, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मगर अभी अभी तो पेट भर गया, बिरयानी से बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी, और यहाँ पर गोलगप्पे खाऊंगी मैं। हाँ मैं गोलगप्पे खाऊंगी, मेरा मन है गोलगप्पे खाऊंगी, मैं गोलगप्पे खाऊंगी। मिलते हैं गोलगप्पे, ये कह रहे हैं गोलगप्पे नहीं मिलते, मिलते हैं मिलते हैं मिलते। सो गाइस अभी जो है ना एकदम से शॉकिंग सीन हो गया था, हुआ ये था कि मैंने जो ना ये वाले इयररिंग्स पहने हुए अपने शिमर के लिए, मतलब मैंने कहा शिमर शिमर ड्रेस थी तो मैं ये पहनूंगी, तो मैंने ना अपने जो गोल्ड की टॉप्स थे वो मैंने उतारे नहीं और उसी के अंदर इनको डाल दिया टॉप्स से, तो वो थोड़ा हैवी हो गए, और हैवी होने की वजह से ना मेरा दोनों गिर गए। फिर मैं यूँ घूम के ही फाइल्स भी आया मेरे साथ, और यहाँ मिली बाली भी मिली और टॉप्स भी गोल्ड का भी मिल गया। सो गाइस नसीब में थी, मिल गई वापस, मैं तो डर गई, उनको पता नहीं कहाँ चली जाएगी अब ये, मगर अल्लाह का शुक्र है गाइस मिल गई। बिरयानी खा के जीजू गोलगप्पे खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लो भाई ये पीछे नहीं है भाई किसी चीज में भी, ये लोग देना भाई गोलगप्पे खा के। अब चल रहे हैं हम वॉक करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? थैंक गॉड गर्मी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, वरना गर्मी में ना वाकई ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस तो बहुत बुरी लगती है। भाई खुद उतर गई, हमने थोड़ी गिराया अपना गोल्ड का सामान, खोद दिया खोदेगा ये। कितने क्यूट डॉगी हैं ये, बहुत छोटे छोटे से, बहुत क्यूट है। उतरी है और ये चल रहा है फोटो सेशन, ये भाई इनके पोज देखो भाई, चेकआउट। अच्छा
सो गाइस इतना थककर आ चुके हैं वापस और नीचे देखे बबल्स, सारे बबल्स ही कितने प्यारे लग रहे हैं ना। कोई बबल छोड़ रहा है यहाँ से ना। हाँ ये रे तुम आ जाती हो और जगह मिल रहा है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये भैया। एक बार बबल खुद ही आ गया, कैच करने की जरूरत ही नहीं। मैं ट्राई कर रहे हैं अब कहाँ गया। उड़ाई नहीं, चले ट्राई करने के लिए। चलो भाई देखते हैं। चाहिए कुछ तो, कुछ तो हुआ। चल जीजू को दे, जीजू ट्राई करेंगे। मैं तो कट गया। दिखाओ पावर से जी। एक और बार ट्राई करने जा रहे हैं। ओ भाई अच्छा जी गाइस वो देखे कुछ लोगों ने लिए थे यही वाले, उनके तो पेड़ में अटक गए जाकर। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे जुगनू आसमान में नीले नीले। गया कि इसको क्या करना था इसके साथ। ओ भाई बहुत बढ़िया। चलो जी गाइस मैंने ना ये लिया बबल वाला, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये बबल फुलाने वाला, तो मैंने ये लिया है। और अभी जो ना मैं ये देखूंगी, पहले बहुत देखते थे हम लोग। इसके सामने आई गड्डी उड़ाएंगी आज तो बर्थडे है। क्या दे रही हो केक की जगह? आना जरा नीचे की चॉकलेट आगे बाकी का। जय भाई जैसे बच्चे का बर्थडे वैसे ही कोना है। हां बच्चे की कौन अब मारो इसकी। भाई ये नेपोटिज्म क्यों भाई? ओ नेपोटी ना। गाड़ी में आ गए हैं और सुल्तान आ गया मेरे पास और बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। अफो की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी एकदम से पेन हो रहा है दांतों में, उनकी अक्कड़ दाढ़ आ रही है, उन्हें चक्कर भी आ रहा है। वो पीछे बैठी हुई है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा हो शायद से। सो वो पीछे है, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अभी हम लोग घर जा रहे हैं तो काफी टाइम भी हो गया, 12:30 हो रहा है, सॉरी 1:15 हो रहा है। सो अभी जल्दी से घर चलते हैं। बहुत बहुत इंजॉय किया हमने। आयशा भाई जो है ना शायद से निकल गई है अपनी गाड़ी में है वो। सो घर चलते हैं अभी जल्दी से, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे। सो गाइस आ गए हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत टायर्ड फील हो जाती है। जब इंडिया गेट से वापस आते ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते, क्योंकि चलते हैं रहते हैं वॉक करते रहते हैं गेम्स खेलते रहते हैं ना, तो ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा टायर्डनेस होती है। ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब बहुत अच्छे लोग आई थी मेरे ट्रक की, मतलब टॉप की मैंने जो नैनीताल से लिया था, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। टू गुड, बहुत अच्छा था ये एज यू कैन सी। तो अभी जो है जल्दी से चुटकी में जाके मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। सरप्राइज कर लिया है चेंज और एक सरप्राइज और है, सिस्टर यहीं है हमारी आयशा बाजी और हयात जी जो वगैरह सब यहीं पर ही है। सो अभी जो है गाइस बहुत थक गए हैं, अभी जल्दी से जो ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। पॉपअप को अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एक बार और बर्थडे गर्ल को विश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। बाय बाय गाइस।